हेलो साथियों, एसएससी जीडी के लिए हिंदी की रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या व्यंजन के कितने भेद होते हैं इसका रिवीजन करेंगे, हार्डली 5 से 10 सेकंड के बीच में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन के भेद या प्रकार। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, 5×5। तो आपको ये ध्यान रखना है, 5 वर्णों के समूह में बांटा गया है इन्हें, 5×5=25। पहला है कंठवर्ण, दूसरा है चवर्ण, पहला है कवर्ण, दूसरा है चवर्ण, तीसरा है टवर्ण, चौथा है तवर्ण और पांचवा है पवर्ण। इसमें जो कवर्ण होता है उसे हम कंठ कहते हैं, दूसरे को तालु कहते हैं, टवर्ण को मूर्धा कहते हैं और तवर्ण को दांत कहते हैं और पवर्ण को ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 5, 5×5=25, ये हमारे पास कौन से स्पर्श व्यंजन हैं। कुछ और भी व्यंजन है जिसको हमने कंठ में रखा है। ह वर्ण का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, तो इसीलिए जो ह वर्ण है हमारा वो क्या हो जाएगा? कंठ व्यंजन हो जाएगा। ये स्पर्श में नहीं आता है लेकिन ये कंठ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे? 25। और ह एक काकल्य वर्ण भी है और एक कंठ वर्ण भी है। वैसे ही यायव और शीटिसा हमारा तालु वर्ण है, तो ये सभी तालु वर्ण हो जाएंगे, प्लस य और श भी तालु वर्ण हो जाएगा। वैसे ही टवर्ण, मूर्धावर्ण, मूर्धावर्ण में ये 5 वर्ण मूर्धा है और पेट चीरा सा भी मूर्धावर्ण हो जाएगा। वैसे ही तवर्ण है, इसमें ये 5 आएंगे, प्लस स, र, ल, सा, सवाल, रारत और लालड्डू क्या है, ये मूर्धा दांत वर्ण में आते हैं और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वतश्य वर्ण। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ये कंठ वर्ण में आता है, ये यश तालु वर्ण में आता है और ये मूर्धा वर्ण में आता है, ये दांत वर्ण में आता है और ये ओष्ठ वर्ण में आता है। स्पर्शी व्यंजन, फिर से बता रही हूँ, स्पर्शी व्यंजन हमारे 25 हो जाएंगे क्योंकि ये सब दांत, ओष्ठ इन सब में आते हैं, तो मैंने इनके सामने ही लिख दिया है। तो आपको ये 25 तो ध्यान रखने हैं, ये तो स्पर्शी व्यंजन है 25, लेकिन ये किस किस वर्ण में आते हैं तो इनके साथ आपको ह, य, श, स, र, ल, ये भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए। र को हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वहीं पर हमारा तीसरा है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं जिसमें सीटी वाला सा, पेट चीरा सा, सवाल वाला सा और हल्का हा आता है। ये मुख से इनमें गर्म हवा निकलती है। चौथा है संयुक्त व्यंजन, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 होते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, य, श्र, क, श, त, र, ज, अ, श, र, ये इस तरह से मेल से बने हुए हैं। पांचवा होता है उच्छिप्त या द्विगड़ व्यंजन, ये 2 होते हैं, ड और ढ। नेक्स्ट है द्वित व्यंजन, ये इनमें एक आधा वर्ण आता है, एक पूरा वर्ण आता है, एक ही वर्ण 2 बार आता है, एक बार आधा एक बार पूरा, तो ये से लल्ला, बल्ला, दिल्ली, बिल्ली, कल्ला, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन कौन से होते हैं? सरल, क्योंकि ये जो है वो दांत वर्ण में भी आते हैं सरल, इसीलिए मैंने इनके सामने रख दिया था इनको। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो वर्ष व्यंजन कौन से होते हैं? स और र और ल। फिर होता है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होता है? वह होता है। नेक्स्ट है उच्चारण में स्वर ध्वनियों में कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सघोष, एक अघोष। सघोष का मतलब होता है, पहले अघोष देखते हैं, अघोष का मतलब 1 और 2। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें सीटी वाला सा, पेट चीरा सा, सवाल वाला सा। फिर हम सघोष देखते हैं, सघोष में आता है 3, 4, 5वां वर्ड। उसके बाद य, र, ल, व, ह आता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं 10वां उच्चारण में प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं जिनमें कम वायु निकलती है, महाप्राण वे होते हैं जिनमें अधिक वायु निकलती है। तो अल्प किस में निकलेगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 3 और 5वां वर्ड आते हैं अल्प प्राण में, प्लस कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन, जैसे य, र, ल, व, ह। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन आते हैं जो 4 होते हैं। फिर आता है महाप्राण में। महाप्राण में कितने आते हैं हमारे? 2 और 4 वर्ण आता है। फिर उसके बाद ऊष्म संघर्षी, श, स, ह आते हैं।
तो मैंने इसकी क्लास पूरी डाल रखी है डिटेल के साथ, ये आपका रिवीजन हो जाएगा, उसमें जाकर के आप डिटेल से देख सकते हैं। ओके, तो क्लास कैसी लगी आपको? ये हमने व्यंजन के भेद देखे या व्यंजन के प्रकार देखे। यहाँ पर एक बार दोबारा देख लेते हैं, अगर आपसे स्पर्शी व्यंजन पूछे जाते हैं तो आप 25 बताएंगे, 5 × 5, कवड़ तवण चवड़, कवड़ चवड़ तवड़ पवड़ और तवड़ और पवड़, ठीक है। फिर अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवड़ में है, तो हा हमारा कवड़ में आता है, यानी कि कंठ से उसका उच्चारण होता है। कवड़ में नहीं आता लेकिन कंठ से उसका उच्चारण होता है, तो आप बताएंगे कि हर के ह का भी कंठ से उच्चारण होता है। वैसे ही आपसे पूछा जाता है क्या य और श का तालु से उच्चारण होता है, तो आप बताएंगे कि हाँ तालु से उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से क्लास थी, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।